नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा अपने YouTube चैनल ए आर एस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन थे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मींस 2018 में जो भी क्वेश्चंस बायो से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, और स्पेशली आपके लिए है कि आप वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, बच्चों आप इसको जरूर से प्रैक्टिस करिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन ये है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है, तो इसमें जितने भी बायो के क्वेश्चन थे वो स्पेशली हमने लिया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम सबके अपडेट करेंगे। बट सबसे पहला वीडियो हमने जो प्रीवियस ईयर का लिया है वो है बायोलॉजी का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रीडिंग पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर विद पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर, ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ F1 प्रोजेनी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें एक प्लांट है जो वायलेट फ्लावर है और दूसरा है जो वाइट फ्लावर है, तो वायलेट और वाइट को अगर क्रॉस करेंगे तो F1 प्रोजनी क्या होगी, तो वो सब क्या आएगी, वायलेट ही आना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन गस्टेटरी रिफ्रैक्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिफ्रैक्टर। तो गस्टेटरी रिसेप्टर में क्या हो जाएगा, ये गस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है वो होता है टंग, जो कि टेस्ट के यूज में आता है, जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है नोज, ठीक है, जो कि स्मेल में आता है। ठीक है, हम लोग नोज की हेल्प से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये 2 मार्क्स में पूछे गए हैं, और यहाँ पे हमने मार्क्स भी लिख दिया है कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स से कहाँ आएगा सेल बॉडी, और सेल बॉडीज में कहा जाएगा एग्जॉन, और एग्जॉन से एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। ठीक, तो इन हार्मोन्स को बताना है, मीन्स ये जो ग्लैंड है इससे क्या सिक्रीट होता है। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पैनक्रियास से क्या सिक्रीट होता है, इंसुलिन। ठीक, ये भी 3 नंबर में पूछा गया, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको मेन डिफरेंस बताना है। ठीक, तो मेन डिफरेंस आप चाहे सेल के बेसिस पे बता सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, जबकि सेक्सुअल में मियोसिस होता है। आप कई पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, एसेक्सुअल में यूनिपेरेंटल होता है, ये बाईपेरेंटल होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो क्लोन कहे जाएंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, मीन सिमिलर रहेंगे अपने पेरेंट्स के बट आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। ठीक है, एंड उसके आगे पूछा है, विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो जाहिर सी बात है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनको बेटर चांस होते हैं सर्वाइवल के, द वन हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक, तो आप बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, वो बेटर चांस होता है उनके पास सर्वाइवल का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंशन एनी 2 कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आपको ब्लड के 2 कंपोनेंट बताने हैं। ब्लड के 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आपको पता है प्लाज्मा है और कार्पसल्स है। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो अब ऑक्सीजनेटेड, अब ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देखिए कहाँ से आप रिसीव करेंगे। ठीक, आप लंग से स्टार्ट करिए, लंग से फिर हार्ट के जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ द वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको कस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में रहेंगे वो बाइकस्पिड होते हैं या मिट्रल वॉल्व कहते हैं, जो राइट साइड में होते हैं उनको
हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। नेक्स्ट है राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ अर्टरीज एंड वेन्स। तो अर्टरीज जो है इसका और वेन्स का कंपोजिशन बताना है। तो देखिए अर्टरीज जो होता है ये हार्ड होता है, इसका जो ल्यूमेन होता है वो ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन वेन, वेन जो है ये सॉफ्ट होते हैं। और सबसे मेन चीज़ आप लोकेशन बता सकते हैं कि जो अर्टरीज का लोकेशन होता है, अर्टरीज का लोकेशन डीपर सिचुएटेड होते हैं जबकि वेन्स सुपरफिशली सिचुएटेड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है ये आपको बताना है। तो एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की डिफिनेशन आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। तो किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या चीज़ है? नेफ्रॉन। ठीक है, आप यूनिट याद रखिएगा, किडनी का नेफ्रॉन है, लंग्स का आप एल्वियोलाई, और जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या है? न्यूरॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए ये 5 मार्क्स में पूरा पूछा है, 3 मार्क्स में ये रहेगा जो ये पूछा गया है, 1 मार्क्स में ये रहेगा, 1 मार्क्स में ओवरऑल 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ एस्क्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल्ड द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एस्क्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। आपको ह्यूमन एस्क्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करना है और उसमें जो ये क्वेश्चन पूछा है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है, पहला पूछा है फॉर्म यूरिन, यूरिन कहाँ फॉर्म होता है। जब ह्यूमन एस्क्रीटरी सिस्टम का आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये NCERT का डायग्राम आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उसमें आपको बताना है कि यूरिन कहाँ फॉर्म होता है। तो यूरिन आपको पता है किडनी में फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से यूरिन कौन कलेक्ट करता है? तो आपको पता है यूरेटर कलेक्ट करेगा, और यूरेटर जो स्ट्रक्चर, जैसे किडनी का ये स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ से यूरेटर निकलेगा। ठीक है, और वो अटैच रहेगा किससे? यूरिनरी ब्लेडर से, और स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। तो आगे है कि जो स्टोर करेगा यूरिन को कौन करेगा? यूरिनरी ब्लेडर करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसका भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, देखिए। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, और उसके बाद में उसके फंक्शंस को बताना है। ठीक, तो फंक्शन में आप देखिए, पहला है ओवरी। तो ओवरी का फंक्शन है कि ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, और फीमेल गैमेट। फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम आप प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कहेंगे, और जो गैमेट है वो रहेगा क्या चीज़? ओवा या ओवम। क्लियर है? नेक्स्ट ओविडक्ट। ओविडक्ट का फंक्शन क्या है? तो आपको पता है कि ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ओविडक्ट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, और इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे का फंक्शन है कि वो क्या करेगा, ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तो उसको कलेक्ट करेगा और उसको ओविडक्ट मीन्स एम्पुला रीजन जो रहेगा वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूटरस। यूटरस का फंक्शन क्या है? यूटरस जो है एरिया प्रोवाइड करेगा किसके लिए? यूटरस एरिया प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो के लिए फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ द यूटरस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो 3 मार्क्स में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटा, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर आप बनाइए, NCERT में बना हुआ है, और इसका जो फंक्शन है, फंक्शन में आप बताएंगे कि प्लेसेंटा की हेल्प से जो फीटस होता है वो मदर बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मदर बॉडी से ही जाता है। ठीक है, मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू ही अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है इसको मैंने सेपरेट कर दिया है, और इसमें क्वेश्चन कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन रहते हैं जो पूछे जाते हैं, इसका हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जो केवल प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। कम से कम 10-15 क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, श्योर बता रहे हैं उसी में से आएगा। ठीक है, और एक वीडियो हम बहुत जल्द आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिसमें आपको हम इम्पोर्टेंट डायग्राम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है लिस्ट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन, ये 2 बार सॉरी टाइप हो गया, ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ ए लीफ पील टू ऑब्जर्व
स्टोमेटा, ठीक। तो अब इसमें आपको बताना है कि लीफ पिल आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो लीफ पिल प्रिपेयर करने के लिए आपको लीफ चाहिए, एजोला का लीफ चाहिए, उसका पील निकालेंगे, जिस तरह आप ओनियन पील का करते हैं एक्सपेरिमेंट उसी तरह इसमें करके आपको बताना रहेगा, ठीक है। नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाई विच अमीबा रिप्रोड्यूस। तो अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आपको बताना है कि उसमें बाइनरी फिजन होता है, और उसके वेरियस स्टेजेस बताने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से वेरियस स्टेजेस हैं डायग्राम के थ्रू आपको मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, अ स्टूडेंट इज व्यूइंग अंडर माइक्रोस्कोप ए परमानेंट स्लाइड शोइंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट में बडिंग बताना है आपको, और इसका वेल लेबल डायग्राम बनाना है, मीन्स वहां पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए थे, और ये आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और हम आपके लिए बहुत जल्द ही 3 वीडियो अपलोड करेंगे। एक में रहेगा जिसमें केवल प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन पूछा रहेगा, दूसरे में रहेगा जिसमें केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो तीसरा वीडियो रहेगा उसमें हम पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड में आया था उसको अपलोड करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर हमारा वीडियो देखते रहें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब।